शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं चंद्रमा और शनिदेव के विषयों की तुला लग्न में क्या इंपॉर्टेंस है। इससे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है प्रिय दर्शकों कि शनिदेव इस लग्न कुंडली में चौथे भाव के मालिक हैं, यानी माता गाड़ी भूमि वाहन सुख सुविधाओं के मालिक हैं और संतान के मालिक हैं, लव रोमांस अनसर्टेन गेंस के मालिक हैं। तो इस लग्न कुंडली में शनिदेव एक योग कार्य ग्रह के कैटेगरी में आते हैं और चंद्रमा देवता कामकाज के मालिक हैं, लेकिन लग्नेश से एंटी पार्टी होने की वजह से चंद्रमा देवता एक समग्रह गिने जाते हैं। तो इस लग्न कुंडली में विष योग का नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि दोनों में से ही न ही चंद्रमा देवता न ही शनिदेव में कोई भी मारक ग्रह नहीं है। अगर कोई पोंगा पंडित आपको इस लग्न कुंडली में भी कह दे कि ये दोनों मारक ग्रह हो गए या इसमें विष योग लग गया, तो समझ लीजिएगा अभी विद्या में कमी है। और फिर रिपीट करता हूँ प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, डिग्री वाइज बलाबल ज़रूर देख लीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि शनिदेव का चंद्रमा के साथ बैठना विष योग बना करके चंद्रमा के रिगार्डिंग सदैव नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। ये हो सकता है कि शनिदेव डिग्री वाइज कम बलाबल में हो और चंद्रमा देवता उसकी अशुभता को कम कर रहा हो। अगर चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा हुई तो ये बात सदैव निर्णय करने से पहले ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं तुला लग्न में। तुला लग्न इसलिए क्योंकि लग्न में सात नंबर लिखा है। आप में से बहुत से लोग सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, मैं बार बार याद दिलाता रहता हूं, इसलिए ये तुला लग्न की कुंडली है हर लग्न कुंडली में, ताकि आपको देखने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे, ताकि आप खुद के लिए कुछ सीख पाएं। दर्शकों, तुला लग्न की कुंडली में शनि और चंद्रमा अगर लग्न में ही पड़े हुए तो दोनों ही ग्रह इस लग्न कुंडली में पड़े हुए अपनी दशा अंतर दशा में बहुत अच्छा फल देंगे। ये विष योग की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही एक कारक ग्रह की पदवी लेकर के एक रिजल्ट एडवांटेज वाला देंगे। शनिदेव यहाँ उच्च के हो जाते हैं, अपनी दशा अंतर दशा में माता गाड़ी भूमि वाहन मकान संतान संबंधी एडवांटेज और पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट देंगे। यहाँ से तीसरे भाव के रिगार्डिंग एडवांटेज, यहाँ से सप्तम भाव रिगार्डिंग एडवांटेज, यहाँ से दशमे कामकाज के संबंधी भी सदैव शनिदेव एडवांटेज ही देंगे अपनी दशांतर दशा में, क्योंकि वो एक कारक ग्रह हैं और कारक की डेफिनेशन सदैव ये लिखी जाती है, जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। चंद्रमा देवता अपनी दशांतर दशा में पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट लाएंगे, एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनेगी। यहाँ से दृष्टि डाली चंद्रमा देवता ने कामकाज में इंप्रूवमेंट, डेली वेजेस में इंप्रूवमेंट और दाम्पत्य सुख में भी इंप्रूवमेंट मिलने का पूर्ण अच्छा योग बनता है। दर्शकों, शनि चंद्र अगर दूसरे भाव में पड़े हों, यहाँ चंद्रमा देवता टोटली डिसएडवांटेज देंगे, क्योंकि वो नीच के हो गए हैं। शनि देवता अपनी दशांतर दशा में धन कुटुंब वाणी संबंधी टोटली एडवांटेज देंगे। थोड़ी सी वाणी उग्र करना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन धन का अभाव कभी नहीं आएगा। माता गाड़ी भूमि वाहन पर जो दृष्टि डाली उसके संबंधी भी एडवांटेज। यहाँ से शनिदेव ने ऑब्स्टेकल्स पर जो दृष्टि डाली तो अपने हार्डवर्क से ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके अपनी जीवन यापन को अच्छा जरूर कर लेगा। यहाँ से दसवीं दृष्टि जो लाभ पर डाली तो लाभ कहीं ना कहीं से अर्जित जरूर होता रहेगा। बड़े भाई बहनों की सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी तो वो भी चली अवश्य ही जाएंगी। लेकिन चंद्रमा की दशांतर दशा में कामकाज सेटल नहीं होगा, धन कुटुंब वाणी संबंधी प्रॉब्लम आएगी और यहाँ से जितनी दृष्टि आठवें भाव पर डाली तो फजूल की ऑब्स्टेकल्स खड़ी ही मिलेंगी। शनि चंद्र तीसरे भाव में पड़े हुए प्रिय दर्शकों तो टोटली डिसएडवांटेज देंगे। चंद्रमा देवता फजूल की मेहनत हार्डवर्क करवाते रहेंगे, छोटे भाई बहन से दिक्कत परेशानियाँ होंगी। यहाँ से दृष्टि डाली फजूल की विदेश यात्रा भी करवाते रहेंगे, धर्म को जल्दी नहीं मानने वाला होगा। पिता से थोड़ा बहुत मनमुटाव रहने के बाद उसकी केयर भी अवश्य ही कर लेगा। शनिदेव का यहाँ बैठा होना मेंटल पीस को जल्दी स्टेबल नहीं होने देता है, हार्डवर्क ज़रूर अवश्य करवाता है, छोटे भाई बहनों से बनती है, छोटे भाई बहनों की केयर अवश्य करने वाला होता है। यहाँ से दृष्टि डाली पिता पर, यहाँ से तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और दशम दृष्टि जो बारहवें भाव पर डाली तो फजूल के व्यय करवा करके जातक का जीवन यापन थोड़ा बहुत हार्डशिप से ज़रूर भर देगा। शनि चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में पड़े हुए
तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान संबंधी सारा रिजल्ट चंद्रमा की दशांतर दशा में भी मिलेगा और शनिदेव की दशांतर दशा में भी मिलेगा। शनिदेव माता की केयर करने वाला होगा शनिदेव की दशांतर दशा में। यहाँ से दृष्टि डाली रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा शनि की दशांतर दशा में एडवांटेज देगा। यहाँ से दृष्टि डाली सप्तम दृष्टि जो दशम भाव पे, तो कामकाज संबंधी एडवांटेज शनि की दशा में। यहाँ से दृष्टि डाली पर्सनैलिटी पर, तो पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट में ला करके शनि की दशांतर दशा में हमें टोटली लाभ मिलेगा। चंद्रमा की दशांतर दशा में भी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी एडवांटेज मिलेगा। यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज पर, तो कामकाज संबंधी भी टोटली एडवांटेज मिल करके जातक को नया रास्ता कामकाज में मिलेगा और जातक का जीवन यापन आसान जरूर होगा। लेकिन डिग्री वाइज बलाबल देखना मत भूलिएगा, उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना उसमें डिग्री वाइज बल हुआ। वो शनि और चंद्रमा पंचम भाव में पड़े हुए पुत्री का योग बना देंगे, जातक की मेमोरी बहुत शार्प होगी, कामकाज पूर्णतः माइंड से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ से शनि देव ने दृष्टि डाली सप्तम भाव रिगार्डिंग भी, यानी पार्टनरशिप, दाम्पत्य सुख रिगार्डिंग एडवांटेज और डेली वेजेस में भी एडवांटेज। यहाँ से शनि देव ने ग्यारहवें भाव पर जो सप्तमी दृष्टि डाली, तो उसके संबंधी भी टोटली एडवांटेज मिलेगा, बड़े भाई बहन से एडवांटेज। यहाँ पर लाभ की कमी कभी नहीं आएगी, अनसर्टेन गेन ज़रूर होगा, माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होगा, मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी जातक की और जातक को अनसर्टेन गेन कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा। यहाँ से शनिदेव की जो दशम दृष्टि धन कुटुंब वाणी पर पड़ी, तो धन का अभाव जल्दी नहीं आएगा, वाणी उग्र होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन परिवार पूर्णतः साथ अवश्य देगा। चंद्रमा की दशा अंतर दशा मन बुद्धि से जुड़ा हुआ काम जरूर करेगा, माइंड जरूर शार्प होगा, विल पावर अच्छी होगी। यहाँ से जितनी दृष्टि उसने ग्यारहवें भाव पर डाली, तो ग्यारहवें भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, लेकिन पुत्री का योग होना एक आवश्यक बात हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही एक ऐसे प्लैनेट माने जाते हैं जो मेल कैटेगरी में नहीं आते, मेल ग्रहों में नहीं कंसिडर किए जाते। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर छठे भाव में पड़े हुए, तो शनि की दशा अंतरदशा भी मृत्यु तुल्य कष्ट तक देगी और चंद्रमा की दशा अंतरदशा भी आपको कष्टों से भरपूर होगी। क्योंकि आजकल आप देखेंगे बहुत से लोग इस बात को समझ चुके हैं जिनका ग्रह 6-8-12 में पड़ा हो। अब तो ज्योतिष विद्वानों ने भी इसके बारे में डिफाइन करना शुरू कर दिया है कि अगर ग्रह 6-8-12 में पड़ा है और उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो सिवा कष्टों के कुछ नहीं देता और उसका रतन कभी धारण नहीं किया जाता, सिर्फ एक अस्त अवस्था को छोड़कर। अगर ग्रह अस्त हो गया है तो आप धारण कर सकते हैं, अन्यथा कारक ग्रह भी अगर 6-8-12 में पड़ा हो तो उसका रतन धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है, ये शास्त्रों के मूल नियम में आता है। तो शनिदेव की दशा अंतरदशा में छठे भाव में पड़ा हुआ रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, संतान से प्रॉब्लम, माता को हेल्थ प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम, ऐसी स्थितियां क्रिएट होती हैं। यहां से ऑब्स्टेकल्स बढ़ती हैं, फजूल के व्यय होते हैं, अस्पताल का खर्चा बढ़ता है। यहां से शनिदेव की दशम दृष्टि जो तीसरे भाव पर पड़ी, तो छोटे भाई बहन से भी छोटा मोटा कलह क्लेश मचा रहता है, ऑब्स्टेकल्स, फजूल की मेहनत, टेंशन होती ही रहती हैं। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक जॉब तक करता है, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा फंस करके फजूल के व्यय जितनी दृष्टि बारहवें भाव पर डालता है वो होते ही रहते हैं। शनि चंद्रमा अगर सप्तम भाव में पड़े, जहाँ शनि नीच के हो जाते हैं और किसी पोंगा पंडित ने कह दिया कि आप यहाँ नीलम धारण करने से, तो कभी मत मानिएगा, क्योंकि नीच का ग्रह अशुभ माना जाता है, वो बलहीन नहीं होता। तो यहाँ दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम मिलेंगी। शनिदेव की दशा अंतरदशा यहाँ सिवा कष्टों से और हमें कुछ नहीं देगी। यहाँ से नवम भाव पर भी दृष्टि, वो भी नेगेटिव। यहाँ से लगन पर दृष्टि डाली, वो भी नेगेटिव। यहाँ से जो चतुर्थ भाव पर दशम दृष्टि शनिदेव की पड़ी, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन से भी सदैव प्रॉब्लम्स आएंगी और माता से सदैव मनमुटाव बना ही रहेगा, दाम्पत्य सुख में भी कलह क्लेश मचा ही रहेगा। लेकिन चंद्रमा की दशा अंतरदशा में अगर जातक पार्टनरशिप में काम करता है, तो पार्टनरशिप में उसे लाभ होता है, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी दिक्कत परेशानियाँ शनिदेव देते हैं, लेकिन चंद्रमा देवता सिर्फ कामकाज की ऑब्स्टेकल्स को दूर अवश्य कर देते हैं अगर जातक पार्टनरशिप में काम करे तो। यहाँ से जितनी चंद्रमा दृष्टि लगन पर डालते हैं, तो प्लीजिंग सी पर्सनैलिटी बना करके जातक की लुक अच्छी कर देते हैं। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर अष्टम भाव में पड़े हुए, यहाँ पूर्णतः वो विषयों का नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। न तो चंद्रमा देवता यहाँ अपनी दशांतर दशा में अच्छा फल देता है, चाहे वो उच्च काई क्यों न हो गया हो, और ना ही शनिदेव यहाँ अच्छा फल देते हैं, अपनी दशांतर दशा में टोटली नेगेटिव
रिजल्ट दे करके यहाँ प्रॉब्लम्स को बढ़ोतरी करके यहाँ दिक्कत परेशानियाँ बढ़ाते हैं, मेंटल पीस डिस्टर्ब करते हैं। और माता गाड़ी भूमि वाहन अगर बनाने वाली हुई तो शनिदेव की दशांतर दशा में जल्दी कभी नहीं बनती, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कई गुना बढ़ोतरी करके ही शनि देवता उसका जीवन यापन करवाते हैं। शनिदेव ने यहाँ से दशम भाव पर दृष्टि डाली, नेगेटिव, कामकाज में दिक्कत परेशानियाँ। शनिदेव ने यहाँ धन कुटुंब वाणी पर दृष्टि डाली, वो भी नेगेटिव। शनिदेव ने यहाँ से दृष्टि डाली संतान भाव पर तो उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। कई जगह ये देखा गया है कि संतान मैरिज के 10-12 साल तक बाद भी नहीं होती और जातक को एडॉप्शन तक में जाना पड़ता है। दर्शकों, शनि चंद्र अगर नवम भाव में पड़े हुए बहुत अच्छा फल देंगे, दोनों ही ग्रह अपनी दशांतर दशा में जातक की मेमोरी शार्प कर देंगे। संतान से एडवांटेज, माता गाड़ी भूमि वाहन का एडवांटेज, कामकाज पिता से जुड़ा हुआ होगा, जातक धर्म को मानने वाला होगा। यहाँ विष योग का नेगेटिव रिजल्ट कोई भी ग्रह नहीं देगा, चाहे वो चंद्रमा की दशांतर दशा चले चाहे शनिदेव की, दोनों ही टोटली पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ से 11वें भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से 3रे भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से 6ठे भाव रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा पर जो शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ी उसके संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट देकर के जातक का जीवन यापन आसान अवश्य कर देंगे। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर दशम भाव में पड़े हुए अपनी दशांतर दशा में शनि भी आपको एडवांटेज देंगे और अपनी दशांतर दशा में चंद्रमा देवता भी टोटली एडवांटेज देके जातक का कामकाज में बढ़ोतरी करके, कामकाज शनिदेव से जुड़ा हुआ, सबॉर्डिनेशन मेटल से केमिकल से जुड़ा हुआ करवा करके जातक को कामयाबी अवश्य देंगे। अगर चंद्रमा बली हुए, चंद्रमा की दशांतर दशा चली तो लिक्विड से जुड़ा हुआ, डेयरी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ ऐसा कामकाज करवा करके जातक को टोटली एडवांटेजेस मिलेंगे। और अपनी दशांतर दशा में शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि जो 4थे भाव पर पड़ी तो माता गाड़ी भूमि वाहन संबंधी सारे एडवांटेज देगा और माता की केयर करने वाला अवश्य होगा। शनि चंद्रमा दर्शकों अगर 11वें भाव में पड़े हुए तो शनिदेव भी यहाँ टोटली एडवांटेज देंगे अपनी दशांतर दशा में और चंद्रमा देवता भी टोटली एडवांटेज देकर के जातक के जीवन यापन को आसान अवश्य कर देंगे। यहाँ से शनिदेव ने लगन पर दृष्टि डाली उसके एडवांटेज, यहाँ से शनिदेव ने जो पंचम भाव पर दृष्टि डाली उसके भी एडवांटेज, यहाँ से शनिदेव ने जो 8वें भाव पर दशम दृष्टि डाली तो अपने हार्डवर्क से अपने बुद्धि बल से अपनी एडवांटेजेस को रिमूव अवश्य कर लेगा। चंद्रमा देवता और शनि देवता जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डालेंगे कहीं ना कहीं पुत्री का योग अवश्य बना देंगे। प्रिय दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर 12वें भाव में पड़े हुए, 12वें भाव में पड़े हुए ना तो कभी शनि देव अच्छा फल देंगे अपनी दशांतर दशा में, ना ही कभी चंद्रमा देवता अच्छा फल देंगे। अपनी दशांतर दशा में शनिदेव जातक को फजूल के व्यय में इतना उलझा देगा कि जातक मेंटली टोटली डिस्टर्बेंस में फील करेगा, लव रोमांस में नाकामयाबी होगी, माता गाड़ी भूमि वाहन से दिक्कत परेशानियाँ होंगी, जातक की हेल्थ में प्रॉब्लम होंगी, फजूल के व्यय होंगे, यहाँ से धन कुटुंब वाणी संबंधी भी प्रॉब्लम, यहाँ से रोग ऋण कर्जा दुर्घटना संबंधी भी प्रॉब्लम्स, यहाँ से पिता से भी मनमुटाव बना रहेगा और मेंटल पीस टोटली डिस्टर्ब होगी, धर्म को ना मानना होगा और विदेश यात्रा करवा करके जातक की मुश्किलें सदैव बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। चंद्रमा देवता की दशांतर दशा में भी कामकाज सेटल नहीं होगा, यहाँ से जितनी दृष्टि चंद्रमा देवता ने 6ठे भाव पर डाली तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा बढ़ा करके जातक की मुश्किलें सदैव बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस लग्न कुंडली में चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती भी पहना जा सकता है और शनि देव का नीलम भी पहना जा सकता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ ये मत कीजिएगा कि कभी भी दोनों एक साथ नहीं पहने जाते। किसी विद्वान की सलाह के पश्चात ही ये पहनिएगा कि इस लग्न कुंडली में उसे सुच्चा मोती पहनना ज़्यादा ज़रूरी है या शनिदेव का नीलम पहनना ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि दोनों में से सिर्फ एक रत्न ही धारण किया जा सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी दशांतर दशा के हिसाब से। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.